व्यक्ति के लिए कर्म स्थल का निर्माण करते हैं। एक विचार ने ही तुलसीदास जी को महान कवि बना दिया था। एक विचार ने ही कुख्यात डाकू रत्नाकर को वाल्मीकि बना दिया था। वो विचार ही है जो अच्छे व्यक्ति को बुरा और बुरे व्यक्ति को अच्छा बना देने की क्षमता रखता है। विचार एक बीज है और कर्म उसके फूल, और इन फूलों पर जो फल लगते हैं वो है सुख और दुख। इसलिए हर बीज का चुनाव सोच समझ कर करो, अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि जो आपके भीतर चल रहा होगा वही बाहर प्रकट होगा। क्योंकि यही सत्य है कि इंसान की बाहरी दुनिया का निर्माण उसके भीतर की दुनिया में होता है। यदि आपके विचार अच्छे और शुभ होंगे तो आप खुशियों की फसल काटोगे और नकारात्मक